तो फैमिली ये देखिए आज सोना सोनी कैसे मस्ती कर रहा है क्योंकि मम्मी अभी मैंगो का पल्प बना रही है और ये दोनों एकदम पागल हो चुके हैं खाने के लिए। ये देखिए कैसे पिंजरा तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये देखिए ये भी आ गया, दोनों के दोनों एकदम पागल हो गए हैं। आपको पीछे से कुछ बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए कैसे खा रहे दोनों। वो देखिए ले लिया, लेके भाग गया सोनी, उसमें से ले लिया। ये देखिए मिठू को और चाहिए, अभी देंगे। कैसे देख रहा है एकदम, कैसे देख रहा है एकदम, देखे जा रहा है। वो देखिए सोनी को भी कैसे देख रही है, दोनों दोनों एकदम पागल हो गए। ये देखिए अब लोग गुस्से में आके अपना खाना खाने लग गए कि हाँ भाई अब तो हमें मिलेगा नहीं, वो तो अपना खाना खा रहा है एकदम गुस्से में खाते हैं दोनों, जबकि कुछ है भी नहीं उसमें, तब भी ऐसे ही खा रहा है, दिखा रहा है जब कुछ खा रहा है। देखिए पिज्जा खोलने की कोशिश भी कर रहा है। ये देखिए अभी देंगे बेटा, अभी दे रहा है। ये खाने चली गई और एकदम बस बैठे हुए अब देख रहे हैं कि हाँ भाई हमें मिलेगा आटा। देखिए इन लोगों को आटा मिल गया, इनका फेवरेट है ना ये, इनका फेवरेट चीज। देखिए कैसे लग रहा है, आटा खिलाने से कोई नुकसान नहीं होता है। और इन लोगों को किसी ने पूछा था हमें कमेंट में कि इन लोगों को कोई आटा खिलाने से कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होता, तो कोई भी इन लोगों को नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट आटा आप लोग खिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम ही क्वांटिटी में खिलाइएगा। ये देखिए फैमिली, ये देखिए अभी लोगों में गुठली में वो होने लग गया, मतलब जो मैंगो होता है ना उसका गुठली होता है उसमें लोग लड़ रहा है खाने के लिए। ये देखिए दोनों कैसे खा रहे हैं, एकदम लड़ लड़ के खाते हैं थोड़ा। आप देखिए आराम से। ये देखिए कैसे खा रहे हैं, ये देखिए दोनों कैसे लड़ रहा है। ये देखिए कितना गुस्सा होती है, बहुत काट ली, हाँ बहुत तेज काट लिए इसे, बहुत ज्यादा डरती है ना इसलिए किसी को भी काट लेती है, और किसी को नहीं काटती, बस मेरे को ही काटती है। पता नहीं इन दोनों को मुझसे क्या दुश्मनी है, लगता है कोई बहुत पुराना जन्म का दुश्मनी होगा इसलिए दोनों इतना मेरे साथ काटते पीटते रहते मेरे को, जबकि बहुत तेज का काटे से। और देखिए कैसे भाग गई एकदम, वो खाने नहीं जाएगी जब तक गेट खुला रहेगा। और वो देखिए वो कैसे खा रहा है, देखिए गेट बंद कर दिया मैंने, अभी भी नहीं आ रही। ये अपने सिक्योरिटी के लिए काटती है, इसको लगता है कि अरे ये लोग पता नहीं क्या करेंगे इसलिए काट ली मेरे को। अभी देखिए अरे आ गई ये, तो पता था कि जैसे ही बंद होगा वो आएगी, क्योंकि उसका फेवरेट चीज़ है वो, ऐसे थोड़ी ना सिक्योरिटी मतलब थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है मेरे सामने, मैं ऐसे बिल्कुल भी मस्ती नहीं करती, दोनों मेरे पास आते भी नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मेरे को काटते रहते दिन भर। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये लोग काटते हैं लेकिन मैं बहुत ट्राई करती हूँ, पता नहीं मैं ऐसे क्या दुश्मनी इन लोगों को। और एक मम्मी पापा दोनों
दोनों एकदम तुरंत आ जाते हैं प्यासे, देखिए अभी कैसे खा रहे हैं। ये देखिए, सो अभी स्टॉप हो गया था कैमरा, कोई बात नहीं, देखिए कैसे खा रहे एकदम प्यार से। इन लोगों को क्या पता कि हमारा वीडियो शूट हो रहा है। एकदम सब निकाल लेते हैं, ये जो गुठली होता है ना इसको पूरा एकदम फिनिश कर देंगे लोग, और इसका इतू सा पार्ट बजाएंगे, इतू सा पार्ट बजाएंगे लोग। देखिए देखिए, काटने आ रहा था मेरे को वो ना मछली, ये देखिए इतू सा सब बजा देंगे। नहीं है बाबू, कुछ नहीं है बाबू, देखिए मिठू है मिठू। चलो अभी ज़्यादा नहीं मिलते वरना काट लेंगे फिर। ये देखिए इसको लग रहा है मैं कुछ इसको खाने को दे रही हूँ। ये थोड़ा मस्ती है तो इसको मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काटती है। ये इसका नाम है सोनी, इसको याद रखिएगा, ये सोना है। बहुत लोग पूछते हैं, और किसी ने मुझसे पूछा था आपने पैरेट कितने में खरीदा, सो मैं बता दूं अगर उन्होंने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, सो उस फर्स्ट वीडियो में हमने क्लियरली कहा था कि हमने पैरेट खरीदा नहीं है, हमें ये गिफ्ट पे मिला है। मतलब हमें वो जो गिफ्ट होता है ना, ऐसा कोई गिफ्ट नहीं, मतलब मेरे डैडी की जो फ्रेंड है ना उन्होंने गिफ्ट में दिया था पैरेट को, सो हमने नहीं खरीदा है। और तब से दोनों बहुत एकदम लाड प्यार में रहे हैं, इसलिए इतने मस्ती हो रहा है। ये बचपन से ही डरती थी ये, लेकिन ये बहुत मस्ती करता था। ये स्टार्टिंग से एकदम मस्ती हो रहा है, जब भी पापा पूजा करते हैं आ जाता है, खाना खाते हैं आ जाता है। सबसे ज़्यादा ये प्यार पापा से करता है, ये तो किसी से भी नहीं करती, ये बस अपने डरती रहती है। देखिए कितना गुस्सा होती है, बोलती है वैसे सबसे ज़्यादा ये बोलता था, इसको सबसे ज़्यादा चोट भी लगी है, इसको एक दो बार लगी है, लेकिन तब भी इसने उड़ने की बहुत कोशिश की थी, और इसकी चोट की वजह से आज ये ज़्यादा नहीं उड़ पाती है। हाँ, ये ज़्यादा नहीं उड़ पाती है, थोड़ा सा कम उड़ती है, क्योंकि इसका भी वो मन नहीं करता उड़ने का। पहले बहुत उड़ती थी ये, इससे भी कहीं ज़्यादा उड़ती थी, लेकिन अब ये ज़्यादा उड़ता ही नहीं उड़ती। जब इसको चोट लगा था ये तब भी उड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए आज बेचारी उड़ नहीं पाती। इसका पंख ही काम नहीं करता, ये ऊंचा उड़ान भर नहीं पाती, कहीं पे भी जाके गिर जाएगी बेचारी। हमने बहुत ट्राई की, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया। हाँ भाई, ये अंदर रहना पसंद करती है, पहले से बहुत ही एकदम अलग हो चुकी है, पहले कुछ और थी अब कुछ और बन गई जब से इसको चोट लगा है। हम अपनी पुरानी वाली सोनी को ज़्यादा मिस करते हैं इससे कहीं ज़्यादा, लेकिन वो बहुत एकदम बचपन से जैसा था। सबसे पहले उड़ना इसने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर बाद में सबसे ज़्यादा ये उड़ती थी, लेकिन अभी ये उड़ता है। और देखिए कैसे चिल्ला रही है कि बस मेरा वीडियो बंद कर दो। आज के लिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि इसको भी अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो बना रहा, इसका जब बंद करता है तभी ये बनाती है। तो फैमिली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और जो एक दो दिन वीडियो नहीं आती इसके लिए सॉरी, वो भी सॉरी बोल दीजिए आपसे। ये लोग कुछ एक्टिविटी नहीं करते तो कुछ समझ नहीं आता क्या व्लॉग बनाए, और अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो उसके लिए भी सॉरी। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय कर दिए वो बाय करी। और देखिए वो अकेले खा रहा है, वो बस देख रही है कि हाँ भाई मेरा व्लॉग बन रहा है तो हमें अच्छा दिखना चाहिए, हमें ज़्यादा खाना खाने वाली नहीं दिखना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा खाती कौन है, ये खाती है, ये कब खाता है, ये रात रात जाग जाग के खाती है। मैं जब तक स्टडी करूँगी तब तक ये खाएगी, ये एकदम मतलब जागती रहती कि कहीं हमें कुछ करने ना आ जाए मारना, जिसको बहुत डर लगता है। लेकिन ये सो जाता है आराम से, खा पी के एकदम जल्दी, मतलब ये कपड़ा डेली रूटीन बना के चलता है, लेकिन नहीं चलती है, कभी भी सोएगी कभी भी उठेगी। सुबह जल्दी उठ के खूब चिल्लाती है, खूब चिल्लाएगी एकदम 5-6 बजे।
बस चिल्लाती रहती है, अभी भी चिल्ला रही है, सुबह सुबह भी चिल्लाती है, 5-6 बजे उठा देती है सबको, अलार्म से अच्छी है बस्ती है, उठाती जरूर है। और ये खुशी के लिए खुद सोते रहते हैं आराम से, ये जाते हैं 7-8 बजे, ये भी चिल्लाने लग जाते हैं, और बस इन लोगों को खोल दिया जाए तो उड़ेंगे बस, एकदम ये उड़ता रहेगा, ये बेचारी बैठ जाएगी या फिर ये निकलेगी नहीं बाहर, अगर कुछ खाने को होगा तो बाहर निकल के, ये इसका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आके बैठ जाएगी बस, और खुशी करती। और ये देखिए अभी जैसे वहाँ पे बैठी है मुझे काटने के लिए, सही देखिए मिट्टू, ठंडियों में जो है इनके पे ब्लैंकेट रखा जाता था, मतलब जो ब्लैंकेट होता है ना यहाँ पे पूरा वो कर दिया जाता था, इसको अंदर ये रहती थी, अंदर वो रहता था, दोनों दोनों बेचारे बोलते भी थे तो उसको सुनाई भी नहीं देता था, फिर ठंडियों में तो इन लोगों को कैसे भी करके ये हो ही जाते हैं, इन लोगों का कोई ज़्यादा वो नहीं रहता। चलाने में इजी हो ना।